Fine guys, so we are going to start passive and passive कमाल की चीज होती है. आइए देखते हैं, देखते हैं गाइस. पहले तो जानने की कोशिश करते हैं कि पैसिव चीज क्या है. लेट्स ट्राई टू नो, ट्राई टू फाइंड आउट व्हाट पैसिव इज बेसिकली. सी गाइस, मेरे स्टाइल में दुनिया की हर चीज जिसके बारे में हम बात करते हैं उसे सब्जेक्ट कहते हैं. अग्री, मानते इस बात को? यस यस सर. हर वो चीज. तो अगर मैं, मेरे मुंह से एक वर्ड निकल गया, मेरे मुंह से निकल गया अंजू, तो अंजू मेरे लिए क्या हो गई? सब्जेक्ट. मैं इनके बारे में जो भी कहूंगा वो भाई सब्जेक्ट है. अगर मैं कहता हूं दिस टेबल, अब इस टेबल के बारे में जो भी कहूंगा, मैं बात तो टेबल के बारे में कर रहा हूं, तो टेबल मेरा सब्जेक्ट हो गया. तो हमें ये नहीं सोचना है कि वो निर्जीव आइटम है या सजीव है, यू नो, लिविंग है नॉन लिविंग है, डजेंट मैटर एनीथिंग. आपने बोला माय हेयर, अपने बाल के बारे में बोलोगे, बाल भी आपका क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया. तो ये पहला पॉइंट. सेकेंड पॉइंट आपका आता है कि अगर सब्जेक्ट किसी एक्शन को परफॉर्म कर रहा है, तब उस सब्जेक्ट को डूअर कहते हैं. क्या कहते हैं? डूअर कहते हैं. अगर सब्जेक्ट किसी एक्शन को परफॉर्म कर रहा है, अगर मैं कहता हूं यहां पर कि अंजू इज स्लैपिंग अ बॉय, थप्पड़ मारने का काम कौन परफॉर्म कर रहा है? अंजू कर रहा है. तो अंजू यहां पर सब्जेक्ट तो पहले से ही है, अब वो सब्जेक्ट के साथ साथ क्या हो गई? डूअर भी है. वो डूअर भी हो गए. तो ये इसका ध्यान रखना. अब अगला पॉइंट कि जब किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट ही डूअर हो, डूअर मतलब सब्जेक्ट ही उस काम को कर रहा है, यू नो, सब्जेक्ट ही डूअर हो, तब वो सेंटेंस एक्टिव वॉइस में बनाया जाता है. याद रखिएगा, अगर सब्जेक्ट ही डूअर है तो हम जो भी स्ट्रक्चर बोलेंगे वो किस वॉइस में होना चाहिए? एक्टिव वॉइस में होना चाहिए. एक्टिव का मतलब कि सब्जेक्ट काम को कर रहा है. यस और नो, समझ में आ रहा है? yes. Yes, sir. तो अगर मैं यहां पर लिखता हूं कि सपना किक्ड अ बॉय, सब्जेक्ट सपना है, लेकिन सपना डूअर है कि नहीं है? खुद बताइए. आखिर yes. लात किसने मारी? yes. सपना ने मारी. सपना ने. तो ये स्ट्रक्चर एक्टिव है कि पैसिव है? एक्टिव. तो आप बताइए कि कैसे हम, मतलब एक्टिव का मतलब क्या हो गया? active. जब सब्जेक्ट डूअर हो तो सेंटेंस एक्टिव वॉइस में होता है. एक्टिव होता है. अब अगला पॉइंट, सब्जेक्ट ही डूअर का काम कर रहा है. हाँ, अगला है कि जब सब्जेक्ट किसी एक्शन को, somebody's, excuse me guys, somebody is calling me, excuse me guys. Okay, समझ गए क्या? आगे समझा. हेलो 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 हेलो. आज से नो अदर बकवास, ओनली क्लास. यस सर, इसलिए मैं चुप हूँ. तो जब सब्जेक्ट किसी एक्शन को परफॉर्म ना करे, वो है सब्जेक्ट पर कर कुछ नहीं रहा है, परफॉर्म ना करे, उस सब्जेक्ट के साथ कुछ हो जाए, साथ कुछ हो, तब इस तरह के सेंटेंस पैसिव वॉइस में बनाए जाते हैं. कैसे? अब मैंने कहा कि हम जिसका नाम लेंगे वो सब सब्जेक्ट है. तो अगर मैंने यहां पर नाम लिया कल्पना, स्पेलिंग सही है कल्पना? यस
ए कल्पना। यस सर, सही है ओके सही है। कविता कविता लिख दो नहीं तो कोई बात तो कल्पना, मैंने जैसे ये बोला, ये अब इनके बारे में जो भी बोलूंगा ये सब्जेक्ट है, ये तो क्लियर है, लेकिन सर। तब तक पता नहीं चलेगा कि ये जो कल्पना है, चूंकि ये सब्जेक्ट है, लेकिन ये एक्टिव होगा कि पैसिव होगा, ये फैसला तब होगा कि कल्पना डूअर है या रिसीवर है। समझ रहे हैं? तो अगर मैं यहां पर ऐसे बोलता हूं कि कल्पना कल्पना को कल डांटा गया, मैं बात कल्पना की कर रहा हूं, क्या कल्पना कुछ कर रही सेंटेंस में? नो सर, नो नो सर, सर। है ना? रिसीवर है, रिसीवर है। तो फिर ये सेंटेंस एक्टिव हुआ या पैसिव हुआ? पैसिव, पैसिव, ये सेंटेंस पैसिव हो गया, ठीक है। और फिर यहां पर मैं लिखता हूं कल्पना ने डाटा, अब ये एक्टिव हुआ कि पैसिव हुआ? एक्टिव, एक्टिव, एक्टिव। तो दोनों जगह में बात तो कल्पना की कर रहा हूं, मेरे लिए तो सब्जेक्ट दोनों ही सब्जेक्ट है, देख लीजिए ये दोनों सब्जेक्ट यस, कल्पना है, यस, लेकिन यहां पर ये एक्टिव है, डूअर है, यहां पर डूअर है डूअर, कल्पना, और यहां पर ये पैसिव है, क्योंकि यहां पर वो डूअर नहीं है, वो रिसीवर है। यस ऐसे हम सर, पहचानेंगे। हम किताबी पैसिव नहीं सीख रहे, जो आप लोगों ने बचपन से सीखा है ना कि ऑब्जेक्ट को खींच के इधर ले आओ उधर ले आओ, जो किया है वो नहीं कर रहे हैं, यस सर, यस। ठीक है, वो गया टाइम। तो अब और भी इंपॉर्टेंट चीज लिख दूं, नोट। जरूरी नहीं है कि हर पैसिव सेंटेंस में बाई लगाया जाए, जब जरूरत हो तभी बाई लगाना चाहिए। यानी कि जब आप स्कूल में पैसे पढ़ते हो तो वो बिना बाई के तो पढ़ाते ही नहीं है, हैं? हर चीज में बाई, उन्होंने हिंदी में भी द्वारा कर रखा है, नहीं राम यस यस क्या, राम आम खाता है और आम राम के द्वारा खाया जाता है, कुछ ऐसा। द्वारा तो खाया खाया जाता है। फिर लोगों के दिमाग में बैठ गया कि जब तक द्वारा नहीं है हम इसको द्वार पे आने नहीं देंगे, जबकि रियलिटी में ऐसा कुछ नहीं है। जब रियल लाइफ में आते हो तो आप कुछ इस तरीके से बात करते हो कि कल एक लड़की को किडनैप कर लिया गया। तो ये तो कॉमन सेंस है ना कि किडनैप किया गया तो कोई गुंडा क्रिमिनल कोई किडनैपर ही किया होगा, यू नो। हमेशा ये बोलना जरूरी है कल उसे किडनैपर के द्वारा किडनैप किया गया, जरूरी नहीं है। नो ओके अगर मैं कहता हूं कि कल एक चोर को गिरफ्तार कर लिया गया, तो क्या मुझे बाई लगाना जरूरी है द्वारा द्वारा? नहीं, मुझे इतना ही बोलना है, नो सर, कॉमन सी बात है। तो बाई टोटल आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैं स्कूल से अलग बात करूं, स्कूल में तो आपकी मजबूरी होगी, नहीं लिखोगे बाई तो काट देगा नंबर, ठीक है। चलिए तो अब मैं एक चित्र बनाता हूं, आप बताना कि वो एक्टिव या पैसिव। सपोज देर इज अ गर्ल, ये लड़की है, और आप इंग्लिश में इस लड़की के बारे में कुछ बोल रहे हो। तो अगर इस लड़की का नाम हम रख देते हैं बबली, बबली, हम इस बबली के बारे में जो भी बोलेंगे तो बबली हमारे लिए क्या सब्जेक्ट है ना, सब्जेक्ट है। अब ये एक्टिव है या पैसिव वो देख लीजिए, माइक ऑफ कीजिए। अगर मैं ये कहता हूं कि यार बबली ने कल खाना पकाया, बबली ने कुकिंग का काम किया, ओके, बबली ने कल कपड़े धोए, बबली ने वॉशिंग एक्शन को परफॉर्म किया, तो अब मुझे बताओ कि बबली यहां पर डूअर है कि रिसीवर है? डूअर सर, डूअर सर, एक्टिव है, डूअर है, यानी कि ये बबली खुद, ये सब्जेक्ट खुद परफॉर्म कर रहा है, यस और यस नो? सर, एक्टिव जी है सर, डूअर, यस तो जब यस ये सर, बबली डूअर है तो इस तरह के सेंटेंस किस वॉइस में बनेंगे? एक्टिव एक्टिव वॉइस, वॉइस, वॉइस एक्टिव वॉइस में, ठीक है, एक्टिव वॉइस में बनेंगे। एक्टिव, अच्छा जी, अब अभी भी हम बबली की बात कर रहे हैं। अब मैं बोलूं कि हाय बेचारी बबली, कल तो पिट गई, कल तो मोलेस्ट हो गई, कल तो डांट पड़, यस। सो व्हाट आई वाज सेइंग कि अब जो ये बबली है तो सब्जेक्ट, लेकिन मैं कह रहा हूं कि भाई बबली तो पिट गई, बबली तो डांट सुन गई, बबली को तो छेड़ दिया गया, मोलेस्ट कर दिया गया, अब बबली कुछ कर रही है कि बबली के साथ कुछ हो रहा है?
सोचिए सोचिए, यानी कि के साथ सब्जेक्ट है बट अभी डूअर ना होकर के क्या है, रिसीवर, रिसीव कर रही है। तो इस तरह के जब वाक्य मैं बोलूंगा तो मेरे पास ऑप्शन में एक्टिव तो बचा ही नहीं, क्या बचा बॉस? नो, पैसिव, पैसिव, पैसिव वॉइस। तो फिर टेंस वही रहेगा लेकिन पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर यूज करना पड़ेगा ना, स्ट्रक्चर तो अलग होगा। यस, तो इस तरीके से हमें पता चलता है कब एक्टिव बोलना है कब पैसिव बोलना है। तो अब छोटा सा टेस्ट आपका, सिर्फ पहचानना है कि एक्टिव है कि पैसिव है, पहचान लेंगे आप? यस सर, यस सर। ओके, बिना द्वारा के पहचान लेंगे? यस सर, यस सर, यस सर, ओके, डेफिनेटली। आइए, बिना द्वारा, बिना द्वारा के, बिना द्वारा के। जब मैं वहां गई मुझे बुरी तरह डांटा गया। बताइए कौन सा एक्टिव कौन सा पैसिव? पैसिव, डांटा गया पैसिव, और वहां गई एक्टिव। आर यू श्योर? मुझे डांटा गया वो पैसिव है। तो जब मैं वहां गई ये क्या है? एक्टिव, एक्टिव। बुरी तरह मुझे डांटा गया ये क्या है? पैसिव, पैसिव। ठीक है, ओके जी, फाइन। कल जब मेरे लिए चाय बनाई जा रही थी, उसी वक्त मेरे कपड़े भी धोए जा रहे थे। लेकिन दोनों पैसे, दोनों पैसिव, दोनों पैसिव, दोनों पैसिव। लेकिन लेकिन मैंने ना चाय पी ना ही कपड़े धोने में किसी की मदद की। अब कहीं कोई द्वारा दिख रहा है? अभी तो दोबारा आया नहीं, अभी तक तो नहीं आया। तो यानी क्या पहचान लोगे एक्टिव और पैसिव? यस सर, यस सर। नीतू आई है? नीतू मैम फेवरेट, नीतू मैम फेवरेट, फेमस। हे नीतू, आर यू देयर? यस सर, यस सर। तो नीतू का टेस्ट है ये, आपको बताना है कि एक्टिव है कि पैसिव। ओके नीतू, सिर्फ नीतू बताएगी। ओके सर, ओके सर। बताइए उससे नफरत की जाती है? पैसिव है सर। सोच लो, क्या पता एक्टिव हो? नो सर, पैसिव है। आर यू श्योर? यार श्योर, बट इसमें दोबारा तो है आए नहीं। फिर ही पैसिव है सर ये। अच्छा, कैसे पता चल रहा है कि सब्जेक्ट इधर डूअर है रिसीवर है, कैसे क्या पता चल रहा है? ये रिसीवर है सर, क्योंकि उससे नफरत की जाती है, वो किसी से नफरत नहीं कर रही है। वाह वाह, तो वाह, आ गया समझ में। ओके चलिए, ये टेस्ट है दुष्यंत का। दुष्यंत, ओके, ऐसा कहा जाता है, अब बताओ एक्टिव या पैसिव? ऐसा कहा जाता है सर, ऐसा कहा जाता है सर, ये तो पैसिव हुआ। कौन कहता पता नहीं है, व्यूअर का पता नहीं है, ऐसा। दिल क्या कह रहा है? दिल तो यही कह रहा है पैसिव है। यस, ठीक है, ठीक है। किसी का तो ऑडियो खराब है गाइस, कुछ तो हो रहा है। हवा में बैठा हुआ, हवा में बैठा हुआ। बंद कर लीजिए ऑडियो, बंद कर लीजिए, जरूरत पड़ने पे यूज कीजिए। इट मींस कि आपको पहचान हो गई कि पैसिव है। अब कुछ विशेष बातें, स्ट्रक्चर तो सिर्फ आठ होते हैं, अभी के अभी खत्म हो जाएंगे, बट विशेष बातें जरूरी है। पहली चीज, स्टेट ऑफ बीइंग और स्टेट ऑफ पोजीशन का पैसिव नहीं बनता है, ठीक है जी। तो कभी गलती से, ओके सर, मेरे पास एक कार है, ढूंढने लोगों की इसका पैसिव करते, मेरे पास एक कार है, इसका पैसिव क्या होगा, इसका पैसिव क्या होगा, नहीं हो सकता, नहीं, पोजीशन है। तो मेरे पास एक कार है, नहीं हो सकता है। वो एक सुंदर लड़की है, पैसिव बनेगा क्या, सोचिए।
नो सर नहीं बन सकता। तो कारण क्या है कि इसमें एक्शन नहीं होते, ठीक है? तो दूसरी भाषा में यूं समझ सकते हो कि बिना एक्शन वाले सेंटेंसेस के पैसिव नहीं बनते हैं। क्लियर? ये अगला पॉइंट, अगला पॉइंट, ये पॉइंट थोड़ा सा मुश्किल होगा। जैसे एज पर ग्रामर इंट्रांजिटिव वर्ब्स के पैसिव नहीं बनते हैं। अब इंट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है, यानी कि दूसरी भाषा में जिस वर्ब को किसी ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती। उस वर्ब के पैसिव नहीं बनते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे स्लीप, सोना, इसका पैसिव नहीं बन सकता है। गो, पैसिव नहीं बन सकता है। कम, नहीं बनेगा। कोई भाग गया, रन, नहीं बनेगा। ओके, किसी ने रोया, क्राई, नहीं बनेगा। कोई हंसा, नहीं बनेगा। कोई बैठ गया, नहीं बनेगा। कोई खड़ा हो गया, पैसिव नहीं बनेगा। तो मैं ईटीसी लिख रहा हूँ कि ऐसे बहुत सारे लिस्ट हैं, इनके पैसिव नहीं बना सकते। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं बोलूँ कि भाई सपना वेंट टू स्कूल, मैं बोलूँ इसका पैसिव बनाओ, इम्पॉसिबल है, नहीं बनेगा, क्योंकि इसका कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। देखो, सपना क्या है? सब्जेक्ट है। वेंट क्या है? वर्ब है। आपको लगता होगा कि ये ऑब्जेक्ट है, बट ये ऑब्जेक्ट नहीं है। आपको लगता होगा ये ऑब्जेक्ट नहीं है। ये है प्रेपोजिशनल फ्रेज। क्या है ये? प्रेपोजिशनल फ्रेज। ये ऑब्जेक्ट नहीं है। सर, वी कैन नॉट मेक द पैसिव वॉइस विदाउट एन ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट, यस, बिना ऑब्जेक्ट के पैसिव आप नहीं बना सकते। तो इसका पैसिव नहीं बन सकता, ठीक है? तो ऐसे मतलब कि आप कोई सेंटेंस बोलोगे, उस सेंटेंस में आपको लग रहा है कि ऑब्जेक्ट है, लेकिन एक्चुअली ये ऑब्जेक्ट नहीं है। कितनों को लग रहा था कि टू स्कूल ऑब्जेक्ट है? दिल से बता दीजिए, ये ऑब्जेक्ट नहीं है। जैसे अगर मैं कहता हूं कि शी सैट ऑन द चेयर, अब इसका पैसिव आप नहीं बना सकते हो। यस सर, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये प्रेपोजिशनल फ्रेज है। क्या है ये? प्रेपोजिशनल फ्रेज है, ये ऑब्जेक्ट नहीं। यानी कि इस वर्ब के बाद एक ऑब्जेक्ट होना चाहिए। कैसे पता चलेगा कि वर्ब का ऑब्जेक्ट है? मन में सवाल भी आ सकता है ना, आ सकता है। देख लीजिए, एक नोट देखिए। जब हम वर्ब से पूछते हैं, जब वर्ब से दो सवाल पूछते हैं, वर्ब से पूछना है कि वर्ब भाई मुझे ये बताओ, यू नो, दो सवाल पूछना है। पहला व्हाट, दूसरा हुम। ये दो सवाल वर्ब से पूछ रहे हैं। व्हाट मतलब क्या, हुम मतलब किसको, ऐसा होता है ना कुछ। अगर इन दोनों क्वेश्चंस में से किसी एक का भी जवाब मिल जाए तो हम समझेंगे कि वो जवाब ही ऑब्जेक्ट है और उसका पैसिव बनेगा। अगर जवाब नहीं आया तब उस सेंटेंस का पैसिव नहीं बनेगा। एग्जांपल अभी दिखाता हूं, देख लीजिए। जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा कि राहुल वेंट टू स्कूल। इस वर्ब से दो सवाल पूछने हैं, एक है व्हाट और एक है हुम, यानी कि क्या। तो राहुल हमारा सब्जेक्ट है, ये हमारा वर्ब है, तो इस वर्ब से हमें पूछना है। हमारे पास दो क्वेश्चन है, एक है व्हाट और एक है हुम। अब मैं वर्ब से पूछ रहा हूं कि वर्ब भाई वेंट भाई राहुल क्या गया, क्या कुछ आंसर मिल रहा है?
नहीं मिल रहा होगा. नो सर. वेंट भाई, वेंट भाई, राहुल किसको गया? कुछ मिल रहा है क्या? नहीं मिल रहा है. नो सर. तो इसका मतलब कि इसका पैसिव नहीं बनेगा. इन दोनों में से किसी एक का आंसर नहीं आया ना, तो नहीं बनेगा. यस सर. ऐसे पकड़ते हैं हम. ये मैं बहुत बड़ी बात बता रहा हूँ, मतलब आगे चल के कभी कोई अगर पूछ ले कि भाई यू नो आई एम कमिंग का पैसिव बना होते हैं ना कुछ लोग, बोला था ना वो कि छब्बू के छप्पर पे छह छचुंदर छह दिन से छुचुआ रहा था, घोड़ा सड़क पे अड़क के भड़क गया. ऐसे कुछ लोग होते हैं, आपके आपकी टांग खींचने आएंगे जी. तो फिर आपको जो मर्जी खींच लेना, क्या है, आपको पता होना चाहिए. आइए, अभी कोई आ रहा है. तो अब एक सेंटेंस लिखता हूं, उसमें हम व्हाट और हुम से सवाल करेंगे, देखना आंसर मिलता है नहीं मिलता है. जैसे कि राहुल एट एन एप्पल, दोनों में से किसी एक का जवाब मिलना चाहिए, या तो व्हाट का मिल जाए या हुम का मिल जाए. तो राहुल सब्जेक्ट, ये वर्ब, और ये पता नहीं ऑब्जेक्ट है कि नहीं, अभी फैसला हो जाएगा. एट भाई, एट भाई, राहुल क्या खाया? एप्पल. जवाब मिला ना? जवाब मिला नहीं मिला? इट मीन्स इसका इसका पैसिव बनेगा. किसी एक का तो मिला, होम का नहीं मिला, व्हाट का तो मिला. अब देखना इसका पैसिव बनेगा. दूसरा, सोहन स्लैब्ड अ बॉय. हमारे पास दो सवाल है पूछने के लिए, एक है व्हाट, दूसरा क्या है होम. अब हमें दोनों में से किसी एक का जवाब मिलना चाहिए. स्लैब भाई, स्लैब भाई, मिल रहा है सर. सोहन ने क्या मारा? पता नहीं. स्लैब भाई, स्लैब भाई, सोहन ने किसको मारा? होम. अब होम मिल गया ना इसमें सर. होम है ना सर, होम के साथ. तो इसका मिल गया मतलब बनेगा. बाय बाय. पैसे बनेगा. अब समझ में आ रहा? बाय. यस सर. ओके. तो स्लोली 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 मीठा जहर है. यस सर. तो है राकेश इज कमिंग टू माई होम. कोई बोलेगा इसका पैसिव बनाओ, तो पहले आपको चेक करना है कि बनेगा कि नहीं बनेगा. कैसे चेक करेंगे? कम से सवाल करेंगे. कम भाई, कम भाई, राकेश क्या आ रहा है? कुछ मिला? नो सर. कम भाई, कम भाई, राकेश किसको आ रहा है? मिला कुछ? नो सर. क्या बनेगा नहीं बनेगा बताइए ना. बनेगा सर. नहीं बनेगा. सिंपल कॉन्फिडेंस के साथ बोलिए, नहीं बनेगा, नहीं बन सकता है. तो इन सब के आगे मैं लिख दूं, नहीं तो आप जब पीडीएफ पढ़ोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे. इसका मतलब है नो पैसिव है. yes. समझ जाओगे ना? नो पैसिव मतलब नहीं बन सकता है. इसका मतलब क्या लिखूं सर? तो ये होम है ना सर, तो होम के साथ नहीं आएगा सर ये. yeah. राकेश इज कमिंग टू माई होम. राकेश मेरे घर आ रहा है और मुझे सवाल पूछना है राकेश किसको आ रहा है, तो किसको आ रहा है क्या जवाब मिलेगा कि किसके घर आ रहा है कि जवाब मिलेगा? नहीं है? हाँ सर, तो हुम का जवाब नहीं मिलेगा, हुज का जवाब मिलेगा. हुज हाउस. समझ रहे हो सर? कौन? बात को समझिए. धीरे आया बट आया. ओके. तो सोहन स्लैप्ड अ बॉय मींस ये पैसिव बन सकता है. राहुल एट एन एप्पल पैसिव बन सकता है. ओके. राहुल वेंट टू स्कूल, क्या गया, किसको गया? नहीं बनेगा. Means no passive. What और whom से सवाल पूछना है तब समझ में आएगा. ये तब पूछना है जब कोई आपकी टांग खींचने आ जाए, बोलेगा ना कि चिंटू बिस्तर पे सो गया, पैसिव बनाओ. वो बोलेगा, आप देख लेना, कोई ना कोई आपको परेशान करेगा. yes, sir, चिंटू बेड पर सो गया. बोलेगा कि पैसिव सीख के आई हो, बनाओ तो तनी. तो बस तनी तनी हो जाएगा. तो आइए, ये सब्जेक्ट बेड पर सो गया, ये सोना क्या है? वर्ब है. अब ये जो बेड है ये ऑब्जेक्ट है कि नहीं फैसला हो जाएगा. तो हम इस सोने से पूछेंगे ना. इंग्लिश में लिख दूँ, खराब सा लग रहा है हिंदी में. इंग्लिश में लिख दूँ, चिंटू स्लेप्ट ऑन द बेड. सो बेड, अगर कोई सोता है तो आप इन द बेड भी कह सकते हो. मैं दोनों लिख देता हूँ. अब मुझे इस स्लिप से या इस सोने से दो सवाल करने हैं. एक सवाल करना है व्हाट और एक सवाल करना है होम. किसी एक का भी जवाब मिला तो हम समझ जाएंगे कि पैसिव बनेगा. तो ए स्लिप भाई, स्लिप भाई, चिंटू क्या सोया? मिल रहा है? नो सर. नो. स्लिप भाई, स्लिप भाई, चिंटू किसको सोया? मिला? नो. नहीं मिला. पैसिव नहीं बनेगा. नहीं बनेगा. सिंपल है यार.
सिंपल, नहीं बनेगा तो नहीं बनेगा। ओके जी, नो पैसे, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, अमरेश परचेज्ड अ कार, कोई हिंदी में बोले कि अमरेश ने एक कार खरीदी, इसका पैसिव बनाओ। तो पहले हम पूछेंगे, इस खरीदी भाई से पूछेंगे, इस परचेज से पूछेंगे, क्या पूछेंगे? दो सवाल, कौन कौन से, व्हाट और हुम। एक का भी आंसर मिला मतलब बनेगा। ए परचेज भाई, परचेज भाई, खरीद भाई, खरीद भाई। अमरेश ने क्या खरीदा? कार। बनेगा इसका, बनेगा, बनेगा, ठीक है। यस सर, आ रहा है। यस सर, यस सर। अब किसी ने बोला सोनू ने खिड़की खोला, खिड़की खोला, भाई इसका पैसिव बनाओ। तो पहले पूछेंगे, देखिए इंग्लिश में है कि सोनू ओपन द विंडो है, ये अब वो कह रहे हैं इसका भी पैसिव बनाओ। तो हम इस खोला भाई से पूछेंगे, किसे पूछेंगे? ओपन। खोला भाई से, खोला भाई, खोला भाई। क्वेश्चन वर्ब से पूछना है, सब्जेक्ट से नहीं। हाँ जी, क्वेश्चन वर्ब से पूछना है, ठीक है। खोला भाई से पूछना है, सोनू से नहीं पूछना है। तो वर्ब से पूछेंगे, ओपन भाई से पूछेंगे। खोला भाई, खोला भाई, सोनू ने क्या खोला? विंडो। तो बनेगा, पैसे बनेगा, ठीक है। कितनों को समझ में आ रहा है? आ रहा है सर, आ रहा है सर, मेरे समझ में भी आ रहा है। आ रहा है, आएगा, आएगा, आ रहा है। जाएगा कहाँ? जाएगा, ले आएंगे इसको पकड़ के। ओके, और देखिए, तो अगर मैं कहता हूँ कि जैसे कि ही स्टूड अप, ही स्टूड अप, कोई बोले इसका पैसिव बनाओ, यानी कि वो खड़ा हो गया। ना जी ना, हाँ ना जी ना, बिल्कुल भी नहीं। चाहे उसको कितना भी बड़ा कर दो, ही स्टूड अप ऑन द बेंच या कुछ भी कर दो, अगर कोई बोले इसका पैसिव बनाओ, तो पहले हम इसे पूछेंगे कि स्टूड भाई, स्टूड भाई, वो क्या खड़ा हुआ? नहीं मिला। वो किसको खड़ा हुआ? नहीं मिला। नहीं बनेगा, नो पैसिव, नो पैसिव। अगर मैं कहता हूं कि माई माई 80 इयर्स ओल्ड नेबर डाइड लास्ट नाइट, कोई बोले भाई इसका पैसिव बनाओ, बोलने वाला बोल सकता है पैसिव बनाओ। तो मैं पूछूंगा इस डाई से, पूछूंगा, डाई मतलब मर गया है, तो इस डाई से पूछूंगा कि डाई भाई, डाई भाई क्या मरा? नहीं पता। डाई भाई, डाई भाई किसको मरा? मिल रहा है कुछ? नहीं बनेगा, नहीं बनेगा, नो, नहीं सर। तो ऐसे तमाम वर्ड्स या तो वर्ड्स इंसान रटता है कि इन शब्दों के पैसिव नहीं बनेंगे, नहीं तो ये लॉजिक लगाता है। अब जो जिसको जो तरीका पसंद हो यूज करता है। अब कितने वर्ड इंसान रटेगा? गो और कम तो इंसान रट लेते कि गो कम का पैसिव नहीं बनता, रटते हैं ना बच्चे। एनीवेज गाइस, अब आइए सर, इसमें क्या मरा, इसका आंसर नहीं मिल रहा है क्या? एक्चुअली होता क्या है, मैं ऐसे बताता हूँ, एक नोट लिख देता हूँ, मुझे लग रहा था कि हिंदी से आप वो करेंगे। देखिए, कुछ ऐसे वर्ब्स होते हैं जो सिर्फ हैपनिंग होते हैं, डूइंग नहीं होते हैं, डूइंग नहीं होते हैं। या जब कोई कोई वर्ब सिर्फ हैपनिंग को दिखाता है, दिखाता है, तब उसका पैसिव नहीं बनता है। जैसे अगर मैं कहता हूं कि अ मैन डाइड, एक आदमी मर गया, तो अब आप दिमाग लगा के बताइए, ये है तो ये मैन है तो सब्जेक्ट, ये डाई है तो वर्ब, लेकिन अगर आप ध्यान से सोचेंगे तो इस ये जो है ये सिर्फ हैपनिंग है, अचानक हो गया, इसने कुछ नहीं किया, ना ये किया ना इसके साथ कुछ किया गया, ये मर गया, यू नो, कोई ऐसा भी नहीं कि कोई आके मार दिया, ये भी नहीं हुआ।
और ऐसा नहीं कि इसने कुछ खुद को मार लिया, सीधा ये मर गया। तो कोई चीज ऐसे अपने आप हो जाए, जैसे कोई मर गया, तो ये ध्यान में रखिएगा इसका पैसिव नहीं बन सकता है, क्योंकि पैसिव ये अगर ये सुसाइड कर ले तो, अगर मैं कहता हूं कि ही कमिटेड सुसाइड, उसने सुसाइड कर लिया यानी कि खुद को मार लिया, कहीं ना कहीं हमें वो दिखाना पड़ेगा कि उसने खुद को मार लिया। अगर मैं कहता हूं कि ही कमिटेड सुसाइड, अब इसका पैसिव बनाओ कि उसने सुसाइड कर लिया, तो फिर हम इसको इस तरीके से कह सकते हैं ना कि अच्छा उसके द्वारा सुसाइड कर लिया गया, थोड़ा कहीं ना कहीं बनने के चांस है, यू नो। लेकिन एक आदमी मर गया, अब इसका कैसे होगा? इसमें तो उसने कुछ नहीं किया, सुसाइड में तो कम से कम वो खुद को मार रहा है ना। लेकिन सिर्फ ये स्टेटमेंट है, एक मर गया, अब इसका पैसिव कैसे बनेगा? हो ही नहीं सकता। अब कितना भी सोच लीजिए, अगर एक और मैं एग्जांपल आपको देता हूं, मैं कहता हूं कि मेरी कुर्सी टूट गई, किसी ने नहीं तोड़ी, अपने आप टूट गई। आखिर पैसिव में हम डूअर को छुपाते हैं, लेकिन डूअर होता तो है ना, कोई ना कोई तो करता है ना उस काम को, खुद ही सोचिए ना, हम डूअर को छुपाते हैं ना। जैसे मैं बोलूं कि यार चिंटू को डांट पड़ी, तो चिंटू ने नहीं डांटा, चिंटू को डांट पड़ी, लेकिन कोई तो डांटा होगा चिंटू को, हाँ या ना, सोचो, कोई तो डांटा होगा, उसको हम छुपा लेते हैं। या कभी दिखाना होता है तो हम क्या लगाते हैं, बाई लगाकर दिखाते हैं, यही होता है ना पैसिव। मैं कहता हूं कि यार कल कल राहुल को चाटा मारा गया, तो कोई तो राहुल को चाटा मारकर गया होगा ना, चाहे भूत मार के चला जाए, हम उसको छुपा लेते हैं, हम सिर्फ राहुल वाला हिस्सा दिखाते हैं कि भैया राहुल को चाटा लगा, जिसने मारा उसको छुपा लेते हैं। मैं कहता हूं कि कल एक घायल को 1,00,000 रुपए दिए गए, कोई तो 1,00,000 रुपए दिया होगा, सोचो। तो ये सब पैसिव है। लेकिन मैं कहता हूं मेरी कुर्सी टूट गई, अब किसी ने तोड़ी ही नहीं, कहीं से लग रहा है कि राहुल ने तोड़ी, सोहन ने तोड़ी, इसका पैसिव नहीं बन सकता। हाँ, अगर मैं ये कहूं कि मेरी कुर्सी को तोड़ दिया गया, उसका पैसिव बन जाए, तोड़ दिया गया, तब बन जाएगा। इतना भी दिमाग लगाना पड़ेगा? तो इस जो अपने आप हो जाए, कहीं पर समझ लो, अपने आप जो हो जाए उसको बोलते हैपनिंग, हैपनिंग वर्ब्स। मैं कहीं और लिख देता हूं, जब डिटेल में सीख रहे हो तो और फुर्सत से सीखिए। ये अंजू के मन में आया ना कि वहां क्या का आंसर कुछ मिल रहा था, उनको ऐसा लगा, इसीलिए मैं ये लिख रहा हूं। देखिए, कोई काम अपने आप हो जाए, अपने आप हो जाए, उसे करने वाला कोई ना हो, कोई ना हो, कोई ना हो, तब उस सेंटेंस का पैसिव नहीं बनता है। जैसे, और ध्यान दीजिए, मैं बोलूं कि मेरा गुब्बारा उड़ गया, बताइए पैसिव बनेगा? कोई उड़ाने वाला दिख रहा है? नहीं, नो सर, नो सर। ठीक है, अब मेरा मेरा गुब्बारा फट गया, अपने आप हुआ ना सब, पैसे बनेगा? नहीं बन सकता, अपने आप फट गया। लेकिन अगर मैं बोलूं कि मेरे गुब्बारे को उड़ा दिया गया, अब तो कोई ना, किसी ने तो उड़ाया होगा ना, सोचिए, इसका बन जाएगा पैसे। तो ऐसे भी दिमाग लगाना पड़ता है, ये है अंदर की बात, ये पैसे बन जाएगा। लेकिन जो अपने आप हो गया, याद रखिएगा, अपने आप हो गया, कोई मर गया, कोई टूट गया, कोई बिखर गया, अपने आप हो गया, इसका पैसिव नहीं बनेगा, नो पैसिव। सर, आप जो बोले थे कि प्ले और क्राई नहीं बनेगा, नहीं बनेगा, मतलब क्राई मतलब हम किसी को रुला सकते हैं, ऐसे कुछ हो पाएगा? मैं कह रहा, मैं कॉजिटिव की बात नहीं कर रहा हूँ डियर, मैंने उसको रुला दिया, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि वो रो रहा था। यस सर, वो रो रहा था, कोई बोले इसका पैसिव बना के दिखा दो, कैसे होगा? नहीं बनेगा, नहीं बनेगा, सोचिए ना, वो रो रहा था, कोई बोले वो हंस रहा था, वो हंस रहा था, उसका कोई पैसिव बना दो, नहीं बन सकता है, क्योंकि इसके अंदर कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। ध्यान से अगर आप इसको इंग्लिश में कन्वर्ट करो, वो रो रहा था, ही वॉज क्राइंग, क्राइंग, ही वॉज क्राइंग, यहाँ कोई ऑब्जेक्ट बगल में आ रहा है, क्राइंग के बगल में कुछ ऑब्जेक्ट आ रहा है? नहीं है। No, चेक करना है तो व्हाट और हुम से भी चेक कर सकते हैं, वो क्या रो रहा था, वो किसको रो रहा था, ऐसे चेक कर लीजिए, तो इसके पैसिव नहीं बनते। ये ट्रिक अच्छा है लेकिन, तो अब देखो, मैं इसी लाइन से हूं तो मैं जानता हूं, अभी आप सीख रहे हो तो आपको थोड़ा वक्त लगेगा ना, थोड़ा वक्त लगेगा,
यू नो, मैं पहले से मैं इतना पढ़ चुका हूं तो मैं जानता हूं, और आप आज पढ़ रहे हो सकता है आपने पहले कभी सुना हो और आज थोड़ा पढ़ रहे हो, तो धीरे 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 समझ में आ गया। एक ही दिन में मेरे बराबर यू कैन नॉट आउट डू मी, यू नो, नो यस सर, बट वन डे और अदर ऑफ कोर्स यू कैन आउट डू मी, बट अभी तो नहीं, अभी तो नहीं। ऐसे बहुत सारे लोग इसने टीचरों को पीछे छोड़ दिया है, आगे निकल गए, बट एक दिन में थोड़ी ऐसा होता है। और हर टीचर चाहता है कि उसका स्टूडेंट उससे ज्यादा बेहतर होनहार हो, बने हर, और हर माँ बाप, यू नो, हर माँ बाप भी चाहता है कि उसका बच्चा उससे बेहतर निकले और अच्छा करे। तो मैं भी यही चाहता हूँ कि आप लोग आइए एंड आउट डू मी। ओके गाइस, चलिए तो आगे बढ़ते हुए, तो इतना बोल वचन बहुत है, अब हम इस पर काम करेंगे। तो अब मुझे लगता है कि पहचान सकते हैं कि पैसिव बनेगा कि नहीं बनेगा। लेक्चर इतना ही था, यस सर। तो एक सेंटेंस और पहचानना है, बनेगा नहीं बनेगा, क्या पता बन जाए। ओके, कल किचन में मेरा महंगा ग्लास टूट गया, बनेगा नहीं बनेगा पैसिव। नहीं बनेगा, नहीं बनेगा, नहीं बनेगा, नहीं बनेगा। ठीक है, कल मेरे किचन में मेरा महंगा, कल किचन में मेरे एक फुट से टूट गया, इसलिए ना सुन, महंगे ग्लास को तोड़ दिया गया, अब इसका बन जाएगा, ये बन जाएगा, दूसरा वाला बनेगा। हां जी, बन जाएगा इसका। याद रखिए, पैसिव कितना भी पैसिव हो, आखिर कोई ना कोई तो करके जाएगा ना उस काम को, सोचो। यस सर, डेफिनेटली। हां जी, हम उसको छुपाए हुए हैं, नहीं तो स्कूल में बाई लगा के दिखा देते, उसको भी दिखा देते स्कूल में, तो दिखा देते हैं, हम लोग अपना स्पोकन में छुपा लेते हैं। हम कहते हैं भाई, अरे वो तो चोर पकड़ा गया, अरे तो पकड़ा गया मतलब कोई तो पकड़ा होगा ना उसको सर। ऊपर वाले में अगर सर क्या मतलब व्हाट और हुम करके ऊपर वाले में अगर वो कर किया जाए तब तो आंसर नहीं आएगा, तब तो हो जाएगा। जैसे कि इसके लिए मैं आपको खुद बता रहा हूँ कि ये फिर उस कैटेगरी में रखेंगे कि जो अपने आप हो गया, ये अपने आप वाले कैटेगरी तो डेफिनेटली नहीं बनेगा, बट जो मैं वो देखी ना व्हाट और हुम के साथ क्या हुआ तो हो सकता था, तो इसलिए याद रखना कि होगा नहीं। जहाँ पर अपने आप हो जाए, अपने आप वाले में क्या होता है ना कि बेचारा जो डूअर है वो भी कुछ नहीं कर रहा, मतलब जो सब्जेक्ट है ना खुद डूअर नहीं है, ये तो अपने आप हो गया। अब मैं कह रहा हूँ यार, एक लड़का मर गया तो उसने तो कुछ किया ही नहीं, ना किया ना किसी और ने उसके साथ कुछ किया, तो ना तो एक्टिव रहा ना पैसिव रहा, समझ रहे हैं। तो बेचारा इस तरह की कैटेगरी को कहते हैं हैपनिंग, याद रख लीजिएगा। तो दो नजरिए से आपको चेक करना होगा, एक व्हाट और हुम वाला और एक अपने आप वाला, यू नो, दो नजरिए से देखना होगा। आ भी रहा है कुछ कि फिर सब इधर उधर हो गया सर, तब ही फेल डाउन क्या बनेगा ये? जैसे कि वो गिर गया, ही फेल डाउन, इसका पैसिव नहीं बनेगा, नहीं बनेगा मैडम, नहीं बनेगा, इसका पैसिव नहीं बनेगा। अपने आप गिरा ना वो, ही फेल डाउन, कैसे बनेगा? मतलब कहीं से कुछ लग रहा है कि कोई आकर गिरा के चला गया, कोई तो होना चाहिए ना जिसके साथ कुछ। जैसे कि सर अगर ये कहें कि कल एक्सीडेंट हो गया, ये भी नहीं बनेगा, नहीं बनेगा। हम ये कह सकते हैं उसे कार से ठोक दिया गया, ये बनेगा, यू नो, ये बन जाएगा। हाँ, तो इसका पैसिव नहीं बनेगा। कुछ भी, वो गिर गया, वो मर गया, वो टूट गया, वो फट गया, कुछ नहीं हो सकता है, नो पैसिव। तो सोचो इतने सारे सेंटेंस है जिसका पैसिव नहीं बनता है, बन सकता है, इसीलिए दिमाग में रखिए। ओके, अच्छा इसका पैसिव बताइए तो, आई लॉस्ट माय की, यू लॉस्ट बाय मी, बन जाएगा सर, बन सकता है ना सर, नहीं बनेगा। अगर ऐसा देखा जाए मैंने चाबी खो दी और चाबी मेरे द्वारा खो दी गई, अच्छा बन जाएगा, बन जाएगा, बन जाएगा, बन जाएगा सर, वटका मिल रहा है ना इसमें सर, इसमें बन जाएगा, बन जाएगा, लेकिन लॉस्ट बाय मी, माय की लॉस्ट, अब नहीं बनेगा, नहीं बनेगा, है ना, कि अब चाबी ने तो कुछ किया ही नहीं, तो कुछ भी नहीं हो सकता। आपको पैसिव होगा कि नहीं होगा इसके लिए आपके पास दो ऑप्शन है, एक तो व्हाट और हुम से आप चेक करोगे, तो व्हाट हुम से आप चेक करोगे तो मैं कहीं पर लिख दूं, वो सर कभी कभी फेल हो रहा है, व्हाट वो कब फेल हो रहा है आप उस पे कॉमन सेंस लगाइए, कैसे फेल हो रहा है देखिए, जब आप व्हाट और हुम से
क्वेश्चन करोगे तो उसमें डूअर तो होगा, जब खुद से हो रहा डूअर तो होगा ना उसमें, कोई ना कोई डूअर तो होगा जो काम को कर रहा होगा, सब्जेक्ट तो डूअर होगा ना, डूअर तो होगा yes, लेकिन ऑब्जेक्ट नहीं होगा, लेकिन ऑब्जेक्ट नहीं होगा। जैसे चिंटू स्कूल गया तो स्कूल जाने वाला तो चिंटू है, लेकिन वो स्कूल ऑब्जेक्ट नहीं है। तो व्हाट होम से चेक करोगे तो कम से कम डूअर होगा। लेकिन अगर मैं कहता हूं कि एक लड़का मर गया, एक लड़का मर गया, तो यहां पर तो ये लड़का सब्जेक्ट है, बट ये डूअर भी तो नहीं है, नहीं नहीं डूअर ही नहीं है। तो इसमें आपको अगर व्हाट लगाने से सूट कर भी गया तो डूअर को भी तो देखना है ना, ये तो अपने आप हो गया, इसको हैपनिंग कहते हैं। लड़के ने कुछ नहीं किया ना, किसी ने इसके साथ कुछ किया, अपने आप मर गया, ऐसे सोचो तब होगा। सर हमें थ्री टाइप से सोचना पड़ेगा, एक तो ऑब्जेक्ट, एक अपने आप काम हो गया, और एक व्हाट और हुम से। व्हाट और हुम से जब पूछते हैं तो तभी तो ऑब्जेक्ट का पता चल जाता है ना, तो एक ही दो ही तरीके से पूछेंगे। जैसे कि मतलब दो तरीके हैं, जैसे अगर आपको सेंटेंस देख के पता चल रहा है कि उसमें ऑब्जेक्ट नहीं है तब तो आप हो ही गया, लेकिन पता ना चले, जैसे किसी ने बोला कि शी केम इनटू माय बेडरूम, यू नो इनटू माय बेडरूम, अब बोले इसका पैसिव बनाओ, अब उसको लग रहा है यार ये शी सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, इसको सारे को ऑब्जेक्ट मान रहा है, तो कंफ्यूज है ना। यस सर, बट नहीं बनेगा। तो फिर हम इसको चेक करेंगे कि ऑब्जेक्ट है कि नहीं है, तो चेक कैसे करते हैं, व्हाट से और व्हाट होम से चेक करते कि अगर इसमें से जवाब मिलता है तो हम मान लेते हैं कि अच्छा ऑब्जेक्ट है इसका, लेकिन ये तो डूअर है ना, वो आई, आने का काम तो उसने किया ना, तो इधर का डूअर होना जरूरी है। लेकिन वो सेंटेंस जहां पर ये कुछ कर ही नहीं रहा है ना, कोई इसके साथ कुछ कर रहा है, वो गिर गया, वो मर गया, वो टूट गया, वो फट गया, तो इसमें तो भाई कैसे बनेगा, तो हैपनिंग है अपने आप। सर इसको बताइए ना, इसको सर के वो क्या और किसको ऐसे बताते हैं ना इसको। अच्छा, तो शी केम इनटू माय बेडरूम, जैसे कि केम भाई वो क्या आई, नहीं मिला। ओके, केम से पूछना है। केम भाई वो किसको आई, वर्ब से पूछना है ना? नहीं आया। हाँ हाँ, है ना, वर्ब से पूछना है, वर्ब से पूछना है, मतलब वर्ब से पूछना है, मतलब पहले वर्ब पहचान लो ना सेंटेंस में, कहाँ वर्ब है उससे पूछ लो। Yes. आप चाहो तो इसको केम बहन भी कर सकते हो, भाई जरूरी नहीं है। भाई भी ऐसा लगता है, बहन पूछ लो, सासुमा पूछ लो, कोई बात नहीं। जैसे गुजरात में हर महिला को बेन कहते हैं ना, कुछ ऐसा। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, दिया बहन, तारक मेहता वाली, दिया बहन। चलिए गाइस, तो अभी तो आपने बस पहचानना सीखा है, आई होप कि आप पहचान पाओ। तो बताइए, कल मेरा कंप्यूटर माउस टेबल से नीचे गिर गया, अब ये पैसिव होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। ये हैपनिंग है। हाँ जी, कंप्यूटर माउस टेबल से नीचे एक्टिव गिर गया। अब देखो, अब इसके अंदर कोई व्हाट करके बोले सर क्या गिरा, तो टेबल माउस गिरा, अब वो साबित करने लगेगा जैसे अंजू कह रही है, तो उसमें ये भी देखना है कि हम व्हाट और हुम वाले में कम से कम सब्जेक्ट डूअर तो होता है ना, है ना, कि वो गई वो आई, है ना, लेकिन इसके अंदर कोई डूअर है, ये तो अपने आप हो गया, अपने आप सब्जेक्ट है, बट ना सब्जेक्ट ने कुछ किया ना किसी ने इसके साथ कुछ किया, ये तो अपने आप हो गया जी, करिश्मा कुदरत का, तो ना ये एक्टिव रहा सही से ना पैसिव भी रहा, बट बनेगा एक्टिव कैटेगरी में ही कि माई माउस, माई कंप्यूटर माउस फेल डाउन फ्रॉम द टेबल, पैसिव नहीं बन सकता। ठीक है, तो आई थिंक ये समझ में आ गया होगा। तो बताइए कि मेरे कीबोर्ड का एक बटन निकल गया, बनेगा एक्टिव है? नहीं बनेगा सर, क्योंकि अपने आप हुआ तो जहां एक्टिव ही रहेगा, तो हैपनिंग है उसका नहीं बनेगा। अंजू कुछ क्लियर हुआ? अंजू कंफ्यूज है ना कि क्या से तो सूट कर रहा है, तो हैपनिंग नहीं, नहीं सर, क्लियर है। फिर इसको हैपनिंग में रख देंगे। ठीक है, तो अब इसको 8 इसके स्ट्रक्चर्स हैं, वो स्ट्रक्चर्स मैं आपको लिख करके बता रहा हूँ, देर आर 8 स्ट्रक्चर्स, 5 मिनट में आपके साथ और हूँ। देर आर 8 पैसिव ऑफ टेंसेस, टोटल टेंस कितने होते हैं? 12 सर, 12 होते हैं, और टोटल पैसिव कितने हो गए? 8
तो सबसे पहले आज प्रेजेंट इंडेफिनिट को छेड़ते हैं, फिर इस पर हम कंटिन्यू करेंगे कल. तो प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज क्या होता है, वही अपना रूटीन एक्टिविटीज या कोई भी प्रोसेस ये ऐसे बनता है, वही होता है ना प्रोसेस वगैरह, प्रोसेस हैबिट कोई भी चीज़ रियलिटी है वो सब इसी के अंदर आता है. तो अगर मैं एक सेंटेंस बोलता हूँ कि भाई इस कमरे में, इस कमरे में चिप्स बनाए जाते हैं, बनाए जाते हैं, तो कोई तो बनाता ही होगा ना, सोचो. यस यस ऐसी है, मतलब आ गया कैटेगरी में. यस सर. तो इसको अगर हम कन्वर्ट करना है तो स्ट्रक्चर हमारा क्या होगा, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर एम इज आर नहीं लगता था ना, याद करो. नहीं लगता था ना. Yes. जब पैसिव करेंगे तो लगेगा, पैसिव में लगेगा. सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट कुछ कर नहीं रहा है, रिसीवर है, सब्जेक्ट के साथ कुछ हो रहा है, चिप्स कुछ नहीं कर रहा है, चिप्स को बनाया जा रहा है. तो हम इसमें एम इज आर जो सूट करेगा वो लगाओ, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाओ, बाई लगाना है तो आपकी मर्जी. तो चिप्स बनाए जाते कैसे होगा, चिप्स आर इन दिस रूम, इस रूम बनाए जाते. ओके, मैं बोलूं कि कुछ स्टूडेंट्स को वहां पढ़ाया जाता है. सम स्टूडेंट्स आर टॉट देयर, पढ़ाया जाता है. तो किसी ना किसी को तो पढ़ाया जाता है, स्टूडेंट्स को कोई ना कोई पढ़ाता ही होगा. पैसिव कैटेगरी में आ गया तो कैसे हो जाएगा, सम स्टूडेंट्स आर टॉट देयर. ओके, मुझे रोज डांटा जाता है तो कैसे हो जाएगा, आई हो जाएगा, फिर आई के साथ एम आ जाएगा. ओके फाइन, इस किचन में वीक में तीन दिन बिरयानी बनाई जाती है, कैसे होगा. The biryani is made in this kitchen thrice a week. तीन दिन. हाँ, अगर आप twice या thrice बोलोगे या once बोलोगे तो in नहीं लगा सकते हैं. Okay. कभी ऐसा मत बोलना वंस इन अ वीक, क्या बोलना है, वंस अ वीक, वंस अ वीक, ट्वाइस अ वीक, थ्राइस अ वीक. छोटी छोटी चीजें हैं जो आप समझनी. ओके, तो बताइए कि हर स्टूडेंट को सर्टिफिकेट दिया जाता है. Every student certificate is given to every student. तो चूंकि यहाँ पर आप सर्टिफिकेट को भी उठा सकते हो, स्टूडेंट को भी उठा सकते हो, दोनों अलाउड. तो या तो आप बोलो कि ईच स्टूडेंट, यू नो, ईच स्टूडेंट इज गिवन सर्टिफिकेट. ईच लगा दिए तो सिंगुलर माना जाएगा ना, ईच स्टूडेंट इज गिवन अ गिवन सर्टिफिकेट, या अ सर्टिफिकेट इज गिवन टू ईच स्टूडेंट. ऐसे फाइन. अब अगर इसका नेगेटिव करना हो Not given to तो सिर्फ आपको नॉट लगाना होगा, क्योंकि इज आर एम की बात है, यू नो, नॉट लगाना होगा. Yes. कि भाई मुझसे प्यार नहीं किया जाता है, आई एम नॉट लव्ड. ओके, मुझे इनवाइट नहीं किया जाता है, आई एम नॉट इनवाइटेड. इन बच्चों, ठीक है, इन बच्चों को पढ़ाया नहीं जाता है, दीज स्टूडेंट आर नॉट टॉट. सर इसको कॉन्ट्रैक्शन में बोल सकते हैं क्या, बीच में आरएन कर दो, क्या दिक्कत है, दिस स्टूडेंट्स आरएन टॉट है ना. ओके, झकास से क्या दिक्कत है. ओके, सोचिए कि
उसे गिफ्ट्स नहीं दिए जाते हैं, उसे गिफ्ट्स आर नॉट गिवन टू हर जाते हैं। तो अगर आप आप ही को भी उठा सकते हो, गिफ्ट भी उठा सकते हो। अगर ही उठाओगे तो ही इज नॉट गिवन गिवन गिफ्ट्स गिफ्ट्स, और गिफ्ट्स को उठाओगे तो गिफ्ट्स आर नॉट गिवन हिम, ऐसे बन सकता है। ओके, लोगों को शिक्षित बनाया जाता है, पीपल आर People are made educated. ऐसे भी कह सकते हो educated है, but सुनने में अजीब लग रहा है। तो people are made educated. क्योंकि educate अपने आप में verb भी है, but यहाँ आपको state of being जैसा लग रहा होगा, तो इसलिए ऐसे कर दो, क्या दिक्कत? Okay. क्या तुम्हें पढ़ाया जाता है? Interrogative. इजारम पहले आएगा, interrogative है तो इजारम पहले आएगा। क्या तुम्हें पढ़ाया जाता है? Are you taught? तुम्हें क्यों पढ़ाया जाता है? Why are you taught? कितने लोगों को पढ़ाया जाता है? How many people are taught? किसे पीटा जाता है? Who is beaten? किसे पढ़ाया जाता है? ठीक है, तो इस पर हम काम करेंगे। अभी मुझे निकलना होगा, आई एम जस्ट सेंडिंग विद दिस फाइल। ओके गाइस, मजा आया, समझ में आया? यस सर, ठीक है, डीपली समझ में आया सर। आओ, कितना सर आज आपने रैपिड फायर नहीं लिया सर? हाय मैडम, इतना ज्यादा पढ़ा तो दिया है। ओके सर, वो कंटिन्यू रहने से हम लोगों का भी तो नंबर आता। वो भी आएगा, वो भी आएगा, लेकिन बट आज की क्लास बहुत ही ज्यादा डीप नॉलेजेबल थी। हाँ, अच्छी थी, बहुत अच्छी। मैंने ये चीजें कहीं नहीं पढ़ी अब तक, बहुत स्टडी करी, बारीकी से। यस, बारीकी से समझ में आया सब। वही है कि ना तो ढंग से किसी किताब में लिखा है किसी ने, और स्कूल में तो भूल ही जाओ, बिना बाई के तो बात ही नहीं करेंगे आपसे। सर आप बुक भी पब्लिश कीजिए ना। हाँ, अब आने वाले टाइम में वक्त मिले कभी। वंस अगेन सर, थैंक यू वेरी मच सर फॉर टुडेस क्लास। यस सर, यस सर, थैंक यू। ओए गाइस, मैं चलो सर, भाई वाला बहुत अच्छा था सर आपका। थैंक यू, थैंक यू, सब क्लियर हो जा रहा है। अच्छा, मैंने इसको रिकॉर्ड किया तो मैं ये वीडियो भी डाल दूंगा ताकि आप और समझ सके। जी सर, डेफिनेटली। हां, ओके सर, देख के। Take care. Thank you so much, sir. Thank you so much, sir. Okay. Thank you, sir. Have a nice day, sir.